Hi, welcome back. In this video, you are going to learn how to do formal conversation with strangers. बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब आप स्ट्रेंजर्स के साथ होते हैं, किसी अनजान इंसान के साथ होते हैं, जैसे कि बस, ट्रेन में, लिफ्ट में या एक मूवी थिएटर में. तो आपका मन करता है कि मैं उनसे बात करूं, लेकिन आप हेजिटेट करते हैं और आपको नहीं पता होता कि किस तरह से एक फॉर्मल कॉन्वर्जेशन की जा सकती है एक अनजान इंसान के साथ. तो इस वीडियो में आप सीखेंगे हमारे साथ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में कुछ गलतियां करेंगे और आप इन गलतियों को साथ साथ नोटिस कीजिए. जो असाइनमेंट आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलेगी, ये सारी गलतियां उसी से रिलेटेड है. सो कीप नोटिसिंग एंड लेट स्टार्ट इट. हाय. हाय. Myself Vikram, and you? My name is Ria. Will you mind if I ask you something? No, I don't mind. Please go ahead. Where are you from? I'm from Chandigarh. And you? I'm from Delhi. Oh, great. Where are you going to? I'm going to Mumbai. Okay, great. What are you doing these days? I'm an entrepreneur. Will you eat the snacks with me? I'm not liking having the snacks in the train. Okay. Okay, Vikram, I'm getting down at my stoppage. Okay, but don't get down while the train is in motion. Sure. Can I have your phone number? No, Vikram, I'm not comfortable. Bye-bye. Bye. जैसे कि आपने अभी पूरी कॉन्वर्सेशन को सुन लिया है, अब हम इस कॉन्वर्सेशन में जहां जहां पे भी गलतियां हैं उसको क्लिप्स में देखेंगे और साथ साथ हम करेंगे इसकी करेक्शन. चले देखते हैं क्लिप नंबर वन. Hi. Hi. Myself Vikram, and you? My name is Ria. तो इस क्लिप में जो करेक्शन है, दैट इज माई सेल्फ, उसकी जगह पे मैं यूज कर सकता हूं आई एम विक्रम और माई नेम इज विक्रम. सुनने में ये चाहे सिंपल है बट बिल्कुल ठीक है. चले देखते हैं सेकेंड क्लिप और इसमें देखते हैं क्या गलती है. विल यू माइंड इफ आई आस्क यू समथिंग? नो, आई डोंट माइंड. प्लीज गो अहेड. इस क्लिप के अंदर मैंने यूज किया है विल यू माइंड इफ आई आस्क यू समथिंग. यू कैन नोटिस हियर, मैंने जो विल का यूज किया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां पे मैं एक स्ट्रेंजर से बात कर रहा हूं और यहां पे मैं एक पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा हूं. तो विल की जगह पे मैं यूज करूंगा वुड. तो आपने कभी भी फॉर्मली किसी से रिक्वेस्ट करनी हो तो विल की जगह पे आप यूज करेंगे वुड. वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू समथिंग? चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लिप की तरफ. व्हाट आर यू डूइंग दीस डेज? आई एम एन एंटरप्रेन्योर. इस क्लिप में मैंने रिया से पूछा व्हाट आर यू डूइंग दीस डेज. इस तरह से ये क्वेश्चन को पूछना गलत है. अब यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि आप कमाने के लिए क्या करते हो, और उसके लिए ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल गलत है. और हम यहां पे यूज करेंगे अनदर क्वेश्चन. इन द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग. रिया ने यहां पे बोला है आई एम एंटरप्रेन्योर, मतलब कि मैं एक व्यवसायी हूं या बिजनेस वुमन हूं, उसके लिए यूज किया है एंटरप्रेन्योर. बट प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग एंड हियर वी कैन करेक्ट दिस. द राइट प्रोनाउंसिएशन इज एंटरप्रेन्योर. चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लिप की तरफ. विल यू ईट द स्नैक्स विद मी? आई एम नॉट लाइकिंग हैविंग द स्नैक्स इन द ट्रेन. ओके. इस क्लिप में मैंने यूज किया है विल यू हैव स्नैक्स विद मी. यहां पे आप फिर से नोटिस कर सकते हो मैंने यूज किया है विल, जो कि इसको बना देता है इनफॉर्मल, बट आई हैव टू यूज इट विद ए फॉर्मल कंस्ट्रक्शन. तो मैं यूज करूंगा यहां पे वुड. वुड यू लाइक टू हैव स्नैक्स विद मी? यहां पे आप एक और चीज नोटिस करें, यहां पे मैंने ईट की जगह पे बोला है हैव. ईट भी हम अगर हम यूज करते हैं दैट इज इनफॉर्मल, जिसके जगह पे हमको यूज करना चाहिए हैव. इसी क्लिप में आप एक और चीज नोटिस कर सकते हैं, रिया का डायलॉग. रिया ने बोला है आई एम नॉट लाइकिंग हैविंग द स्नैक्स इन द ट्रेन. यहां पे ये सेंटेंस गलत है. इसकी करेक्शन के लिए हम बोल सकते हैं आई डू नॉट फील लाइक हैविंग स्नैक्स इन द ट्रेन, मतलब मेरा अभी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा स्नैक्स खाने का ट्रेन के अंदर. तो फील लाइक का कंसेप्ट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आप यूज कर सकते हो. मेरा मन नहीं कर रहा, आई डोंट फील लाइक हैविंग स्नैक्स. चले देखते हैं नेक्स्ट क्लिप और देखते हैं उसमें क्या करेक्शन है. ओके विक्रम, आई एम गेटिंग डाउन एट माई स्टॉपेज. ओके, बट डोंट गेट डाउन व्हाइल द ट्रेन इज इन मोशन. श्योर. इस क्लिप में रिया ने यूज किया है ओके आई एम गेटिंग डाउन एट माई स्टॉपेज. इस सेंटेंस को करेक्ट किया जा सकता है. गेटिंग डाउन इज समथिंग कि हम नीचे हो रहे हैं, मतलब अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो तो हम नीचे जब होते हो तो हम गेट डाउन करते हैं. लेकिन इसके लिए मैं आपको एक सिंगल वर्ड देता हूं, हम यूज कर सकते हैं अलाइट.
अलाइट को यूज किया जाता है किसी भी जगह पे उतरने के लिए। तो जैसे आप बस से उतर रहे हैं और किसी स्टॉपेज पे आपने उतरना है, तो आप बोल सकते हो आई एम गोइंग टू अलाइट एट नेक्स्ट स्टॉप, है ना, बढ़िया और कमाल का वर्ड अलाइट। चले बढ़ते हैं लास्ट क्लिप की तरफ और देखते हैं इसमें क्या करेक्शन है। कैन आई हैव योर फोन नंबर? नो विक्रम, आई एम नॉट कंफर्टेबल, बाय बाय। मैंने यहाँ पे रिया से फोन नंबर मांगने के लिए एक सेंटेंस यूज किया है एंड आई से कैन आई हैव योर फोन नंबर, और आप नोटिस कर सकते हो रिया ने मुझे यहाँ पे अपना फोन नंबर नहीं दिया, वो शायद इसी सेंटेंस की वजह से नहीं दिया होगा। Isn't it funny? I'm just kidding. तो मैं आपको यहां पे ये बताता हूं कि हम इसकी करेक्शन में क्या कर सकते हैं। हमें यहां पे बोलना चाहिए कुड आई हैव योर नंबर प्लीज। यहां पे कुड का यूज जो है वो फॉर्मल है कैन की जगह पे, एंड आई एम ऑल्सो यूजिंग प्लीज, सो दिस इज वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट व्हेन वी आर आस्किंग अ नंबर फ्रॉम ए स्ट्रेंजर। कुड आई हैव योर नंबर प्लीज, या हम ये भी कह सकते हैं हाउ कैन आई बी इन टच विद यू। सो वी हैव नाउ टू सेंटेंसेस, यू कैन चूज ईदर ऑफ दिस, आप इनमें से एक का चुनाव कर सकते हैं। नाउ टाइम फॉर द असाइनमेंट, एंड असाइनमेंट इज वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, आपको सारे के सारे जितने करेक्ट सेंटेंसेस हैं उनको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, सो दैट यू नेवर फॉरगेट दी सेंटेंसेस। आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो ने आपको आज कोई वैल्यू दी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के साथ वी विल बी राइट बैक सून। टिल देन हैव अ गुड डे।